अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर में उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर के पूरे देश में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि बाराबंकी जिले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के शहर में शोभा यात्रा निकाली और फूलों की होली खेली। आपको बता दें कि बाराबंकी जिले के सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाराबंकी शहर में पदयात्रा कर जुलूस निकाला और हाथों में भगवा झंडा और जय श्री राम के नारे लगाते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूरे शहर भर में पदयात्रा की, जहां पूरा देश इस समय भगवान श्री राम के आस्था में राममय है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भी इससे पीछे नहीं हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण बाराबंकी शहर में देखने को मिला। लोगों में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के खासा उत्साह है। मुस्लिम समाज के इस शोभा यात्रा ने जिले में मिसाल कायम की। वहीं शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों को शहर में जगह जगह पर हिंदू भाइयों ने फूलमाला पहनाकर मुस्लिम भाइयों का जोरदार स्वागत किया। वहीं हाईवे पर सफेदाबाद के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भगवान श्री राम की होर्डिंग और बैनर लगाए, ताकि लखनऊ अयोध्या हाईवे से गुजरने वाले मेहमान उनसे रूबरू हो सकें। वहीं राजा कासिम ने बताया कि 500 वर्षों बाद भगवान श्री राम फिर से अपने महल में वापस आ रहे हैं, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हमारा देश अब आने वाले समय में विश्वगुरु जरूर बनेगा, कोई इसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान श्री राम को उनकी जन्मभूमि पर फिर से स्थापित करना हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। इसलिए पूरे देश में सभी लोग हर्षोल्लास का त्यौहार 22 जनवरी को मनाएंगे। मुस्लिम समुदाय भी इससे पीछे नहीं है। देखिए, ये राम रहीम का देश था और यहाँ राम के बिना पूरे देशवासी जो थे वो बेचैन थे। मोदी जी ने देश की देशवासियों की बेचैनी समझते हुए अपने प्रयास करके राम मंदिर का निर्माण प्राण प्रतिष्ठान 22 तारीख को कर रहे हैं। इसलिए इस देश का जो सभी धर्म के लोग जो हैं खुशी मना रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि 500 बरस के बाद अपने मतलब राम जी का जो वनवास मोदी जी ने ख़त्म करवाया है उससे खुशी है। और जो गंगा जमनी संस्कृति बरसों से स्थापित थी, बीच में राम जी के न रहने से खंडित हुई थी, वो पुनः जो है पूरी मजबूती के साथ फिर स्थापित हो गई है। आज 140 करोड़ देशवासी, चाहे वो कोई धर्म के हो, मोदी जी का धन्यवाद, सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देने के लिए और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए आप सड़क